राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने आदिवासी इलाकों में लोगों को भ्रमित कर धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाया। उन्होंने उम्मीद जताई कि धर्मांतरण पर प्रदेश सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। सुमेर सिंह सोलंकी ने पेसा एक्ट लागू करने पर मध्य प्रदेश सरकार की तारीफ की है। गुजरात चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत का श्रेय उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को दिया। साथ ही एमपी में 2023 का विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी की जीत का विश्वास जताया। दार्जिले के एक दिन के दौरे पर आए सुमेर सिंह सोलंकी ने NS 24/7 संवाददाता लोकेश चौहान से खास बातचीत किया। ये सुनाते हैं आपको कि उन्होंने क्या कुछ कहा। उपस्थित सब भाई और बहनों के बता दो कि उन्होंने साफ तौर पर नरेंद्र मोदी का आभार जताया। साथ उन्होंने बीजेपी की सरकार होने पर विश्वास भी जताया। उन्होंने कई सारे मुद्दे पर इस पूरे मामले पर चर्चा की है। उपस्थित सब भाई और बहनों के ग्राम सभा अब तय करेगी। जो लोग इस प्रकार का घिनौना खेल खेल रहे हैं, धर्मांतरित कर रहे हैं, हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों को, भोले भाले लोगों को लोभ दिखाकर, लालच देकर या उनको किसी प्रकार से भ्रमित करके या अंधविश्वास के माध्यम से अगर धर्मांतरित करने का खेल खेल रहे हैं तो उनके खिलाफ ग्राम सभा भी कार्रवाई करेगी और मध्य प्रदेश की सरकार भी कार्रवाई करेगी और उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुँचाया जाएगा।